ब्रह्मा कुमारी संस्था के मुख्यालय शांतिवन का विशाल डायमंड हॉल एक बार फिर विशिष्ट मेहमानों से सुशोभित हो गया। भारत सरकार में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जब विशाल सभा को दिल से नमन किया तो पूरा हॉल गुंजायमान हो गया। परम तत्व से एकाकार होने के लिए यहाँ साधना में रत सभी बंधुओं बहनों, आप सबके भीतर, आप सबकी अंतरात्मा में उपलब्ध शिव तत्व को भी मैं साष्टांग प्रणाम करता हूँ। मुझे आज अत्यंत प्रसन्नता है कि बहुत देर से ही सही, लेकिन मुझे आज इस पुनीत स्थल पर आने का आप सबके बीच में अवसर मिला है। अनेक वर्षों से मेरे मन में यह था कि मुझे एक बार अवश्य इस पवित्र स्थान पर जाकर यहां व्याप्त ऊर्जा को अनुभव करना चाहिए। पिछले वर्षों में एक से भी अधिक बार कुछ कार्यक्रम तय भी हुए, लेकिन व्यस्तताओं के चलते और एकाएक आई कुछ ऐसी परिस्थितियों के चलते उन कार्यक्रमों को स्थगित करना पड़ा। लेकिन मैं ईमानदारी से इस बात को स्वीकार करता हूँ कि बाबा के इस घर में बाबा की आज्ञा के बिना शायद आना संभव नहीं था, और बाबा ने मुझे आज्ञा आज ही दी। इस मौके पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने संस्थान में आने की खुशी तो जाहिर की ही, साथ ही उन्होंने बताया कि इस संस्था से बाल्यकाल से उनका जुड़ाव रहा है। ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के मिशन से जुड़े बहनों के साथ में मेरा बहुत लंबा सतत संपर्क रहा है। जोधपुर जो मेरा गृह क्षेत्र है, लगभग पिछले 30 वर्षों से ब्रह्मकुमारी राजयोगिनी बहनों के साथ में मेरा बहनों का जैसा संबंध है ही, लेकिन उससे पूर्व भी मेरी स्मृति में अनेक अनेक वर्ष मेरे बाल्यकाल में जब मैं विद्यालय में पढ़ता था उस समय भी मेरी माताजी ब्रह्मकुमारी बहनों के संपर्क में थी, और उस समय से मैं इस ईश्वरी विश्वविद्यालय के साथ में मेरा जुड़ाव रहा है। वहीं केंद्रीय मंत्री ने देश और दुनिया भर में 15,000 कार्यक्रमों को 3 महीने के अंदर करने के लिए सभी बीके सदस्यों का अभिनंदन किया और दिल से सराहना की। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि ब्रह्मकुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय संस्थान ने इस आजादी के अमृत वर्ष में माननीय प्रधानमंत्री जी के जो संदेश था उसके साथ में जुड़ने का संकल्प लिया। अभी मुझे बताया गया कि 15,000 कार्यक्रम वर्ष भर में होंगे, ऐसा कल्पना की गई थी, लेकिन सौभाग्य की बात है। और मैं निश्चित ही अभिनंदन करना चाहता हूँ संस्थान से जुड़े सभी भाइयों का, बहनों का, जिन्होंने देश नहीं दुनिया भर में केवल 3 महीने के कालखंड में उन 15,000 कार्यक्रमों को आयोजित किया। और मैं ये मानता हूँ कि इस तरह से जब समाज के ऐसे संस्थान इस तरह के विषय के साथ में जुड़ते हैं तो निश्चित ही वो विषय एक जन आंदोलन का स्वरूप लेता है, और ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय ने इसे जन आंदोलन बनाने में एक बहुत प्रभावी भूमिका तय की। कार्यक्रम से पूर्व संस्थान के कार्यकारी सचिव बीके मृत्युंजय, मीडिया प्रमुख बीके करुणा, दिल्ली जोन के सह निदेशक बीके चक्रधारी ने शब्दों से उनका स्वागत कर उनका सम्मान भी किया, साथ ही छोटी सौगात भेंट की। शांतिवन अवलोकन के दौरान उन्होंने संस्था प्रमुख राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी जी से मुलाकात की और शांतिवन के मुख्य स्थानों पर विशेष योगाभ्यास किया। आपको बता दें कि भारत सरकार ने एक नया मंत्रालय जल शक्ति गठित किया है, जिसके प्रथम मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, और काफी लंबे समय से उनकी माउंट आबू आकर ब्रह्मा कुमारी संस्थान के परिसर के अवलोकन करने की इच्छा थी, जिसका अवसर उन्हें आज प्राप्त हुआ। ऐसे ही अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज़।